हाय गाइस, मैं हूं विशाल और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रोलर स्केट पे जंप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। देखो, जब आप नॉर्मल जंप करते हो किसी डिस्टेंस या फिर ऑप्टिकल को पार करने के लिए, तो आप कुछ इस तरह से जंप करोगे आगे की ओर झुककर इस तरह से। तो आपको ये चीज स्केटिंग पर नहीं करनी है, आपको सीधा स्ट्रेट जंप करना है ऊपर की ओर, ना आगे ना पीछे, सीधा ऊपर की ओर जंप करना है इस तरह से। तो आप एक बार और देख लो इसे कैसे करते हैं, सीधा स्ट्रेट ऊपर। स्टेप वन में आती है आपके पैरों की पोजीशन। आप जंप करते वक्त बराबर पैर भी रख सकते हैं या फिर आगे पीछे पैर भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जब आप जंप करोगे और फिर लैंडिंग के वक्त आपको पैरों को आगे पीछे रखने की कोशिश करना है। आप देख सकते हैं, आप जंप करोगे और फिर लैंडिंग के वक्त आगे पीछे पैर रखना है, लेकिन अगर आप बराबर पैरों से लैंड करोगे तो आपका बैलेंस एरिया है वो कम रहेगा, और अगर आप आगे पीछे पैरों से लैंड करोगे तो आपका बैलेंस एरिया ज़्यादा रहेगा, जिससे पीछे या फिर आगे गिरने का खतरा नहीं रहेगा। तो आपको जंप करना है और आगे पीछे पैरों से लैंडिंग करनी है। स्टेप टू के शुरुआत में आपको हल्के से जंप लेने की कोशिश करना है। आप देख सकते हैं मैं कितने हल्के हल्के जंप ले रहा हूँ और आगे पीछे पैर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको भी कुछ इसी तरह से ट्राई करना है। और अगर आपका रोड पर बैलेंस ना बन रहे हो, फिसल रहे हो पैर, तो आप इसे कच्चे में भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको जंप लेना है और आगे पीछे पैर रखने की शुरुआत में प्रैक्टिस करना है। तो आप कच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सेफ जगह है स्केट के साथ जंप करने के लिए। यहाँ पर आपके जो स्केट व्हील्स है वो फिसलेंगे नहीं, तो आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस यहीं पर कर लेना है। और हो सके तो आप यहीं पर अपनी हाइट से जंप लेने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको गिरने का डर ज़्यादा नहीं है। तो आप यहाँ पर अपनी मैक्सिमम जंप भी ट्राई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको स्केट के साथ जंप लेने की भी आदत हो जाएगी। जो आपको अलग से वजन लगता है स्केट का, उसकी भी आदत हो जाएगी। और जब आप कच्चे में अच्छे से जंप कर लेते हो, तब आप इसे रोड पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और ध्यान रखना कि आप ज़्यादा फिसल ना रहे हो, फिर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो। स्टेप थ्री में भी आपको स्टेप टू की तरह ही जंप की प्रैक्टिस करना है, बस थोड़ा सा रोल करते हुए करना है। आपको इसे कम से कम स्पीड में ही शुरुआत में ट्राई करना है, और जब आप हल्के जंप में कंफर्टेबल हो जाते हो, थोड़ा परफेक्ट हो जाते हो, तब आप उसी स्पीड में थोड़ी ज़्यादा जंप लेने की प्रैक्टिस करना। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ। तो आपको बिना सेफ्टी के इसे ट्राई नहीं करना है। मैं मेरे सेफ्टी किट्स घर पर भुलाया हूँ, इसलिए आपको बिना सेफ्टी के बता रहा हूँ, लेकिन जब आप इसे सीखोगे तो इसे बिना सेफ्टी के ट्राई मत करना। स्टेप फोर में आते तक आप लगभग जंप सीख ही जाओगे, और आपने जो स्टेप टू और स्टेप थ्री में किया है उसी को थोड़ा ज़्यादा स्पीड के साथ और ज़्यादा जंप लेते हुए ट्राई करना है, और पूरी सेफ्टी के साथ। ये बात जरूर ध्यान रखना आपने कि आप सेफ्टी ज़रूर इसमें पहने और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी सीख जाओगे। आई होप गाइस कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वैसे जंप ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप जल्दी ही इसे सीख जाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।